नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम आपको बता दें कि कियारा और सिद्धार्थ की आज शादी होने वाली है। दोस्तों आज वो सात फेरे लेने वाले हैं। दोस्तों आज हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है और शादी की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि शादी की रस्में सूर्यगढ़ की बाबड़ी में होगी और आपको बता दें कि मेहमानों के लिए जैसलमेर का खास घोट वाला लड्डू दिया गया है। तो दोस्तों चलिए इस खबर को पूरा जान लेते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मनुज। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्ट्रेस सिद्धार्थ मल्होत्रा मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए हैं। कियारा सिद्धार्थ ने शाम 6:30 बजे के करीब होटल सूर्यगढ़ की बाबड़ी में फेरे लिए। शाही शादी के लिए जैसलमेर के सूर्यगढ़ में विदेशी फूलों से मंडप सजाया गया था। अब रात में रिसेप्शन होगा। उधर मलाइका अरोरा शाम करीब 7 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची, वो रिसेप्शन में शामिल होने आई हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। सिद्धार्थ सफेद घोड़ी पर बारात लेकर निकले। इसमें करण जौहर, शाहिद कपूर और पूरे परिवार ने डांस भी किया। सिद्धार्थ के पापा व्हील चेयर पर बैठे थे। बारात के लिए खास तौर पर दिल्ली से जिया बैंड बुलाया गया था। सिद्धार्थ की वरमाला हुई। व्हाइट कलर के गुलाब के फूलों की माला दोनों ने एक दूसरे को पहनाई। और वहीं आपको बता दें कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के पूरे परिवार के साथ साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, फिल्म निर्माता करण जौहर, एक्ट्रेस मनीष मल्होत्रा, अरमान जैन, शाहिद कपूर और इनकी बहन मीरा राजपूत, जानवी चावला और इनके हेडसेट जय मेहता, मेकअप आर्टिस्ट स्वर्णलेखा गुप्ता, हेयर ड्रेसर अमित ठाकुर, वेडिंग फिल्म शूटर विशाल पंजाबी, म्यूजिक के डीजे और गणेश हरि और सुखमणि और ज्योति ईशा अंबानी अपने पति आनंद मीरापल के साथ भी उपस्थित रही हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि वेलकम पार्टी की थीम ब्लैक थी। इसमें सिद्धार्थ ने ब्लैक शेरवानी और कियारा ने ब्लैक गाउन पहना था। पार्टी होस्ट ब्लैक शेरवानी पहनकर करण जौहर ने की। म्यूजिक पार्टी की थीम व्हाइट थी। कियारा सिद्धार्थ ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी। हल्दी के लिए येलो थीम है। मेहमान बढ़कर बेटर व सब लोग येलो ड्रेस में नजर आएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि मेहमानों को घोटवा लड्डू खिलाए गए। ये जैसलमेर की फेमस मिठाई है। इसकी डिमांड इतनी है कि इसकी कम से कम 50 दुकानें अकेले जैसलमेर में हैं। यहाँ होने वाली हर आम से आम रॉयल वेडिंग में इसकी डिमांड रहती है। यह देश भर में पसंद की जाने वाली सबसे बेहतरीन मिठाई है। जैसलमेर के लोग जो देश के अलग अलग शहरों में रहते हैं, वे ऑर्डर पर मंगवाते हैं। जैसलमेर आने वाले देशी विदेशी टूरिस्ट भी इसे अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि शादी की खबर आते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों के नाम से पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया है। सभी दोस्तों को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं कियारा सिद्ध के लहंगे और शेरवानी को लेकर भी एक्साइटमेंट था। दोनों के शादी के कपड़े मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि कियारा को दुल्हन के रूप में इंडस्ट्रीज की फेमस मेकअप आर्टिस्ट स्वर्णलेखा गुप्ता ने तैयार किया है। उनकी पूरी टीम शनिवार शाम को ही मुंबई से जैसलमेर पहुंच चुकी थी। मेकअप और ज्वेलरी से ब्राइडल को खूबसूरत लुक दिया गया। अमित ठाकुर ने उनका हेयर स्टाइल देखा। कियारा की माँ और उनके परिवार की महिलाओं को तैयार करने के लिए अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट की टीम भी साथ गई थी। वहीं हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और हम आपको बता दें कि उनके पिता सुनील मल्होत्रा ने भी अफसर थे। वहीं माँ रीमा मल्होत्रा हाउसवाइफ हैं। बड़े भाई हर्षत बैंक में नौकरी करते हैं। सिद्धार्थ की फैमिली में भाभी पूर्णिमा मल्होत्रा और एक भतीजा भी है। सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ शनिवार को दिल्ली से आए थे। जैसलमेर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए हर्षद दूर से बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह दिखते थे। दोनों भाइयों की हाइट पर्सनैलिटी सेम है। हर्षद ने सूर्यगढ़ जाते हुए कहा था कि वे शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वहीं भाभी भी पिंक ड्रेस में एकदम कूल लगती हैं। सिद्धार्थ का भतीजा भी काफी हैंडसम है। एयरपोर्ट पर उनका कूल अंदाज और स्माइल काफी पसंद आई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक करके सभी जगह फैला दीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।